करते रहो और सदार की माँ चोदते रहो। बहन के लवड़े की माँ का भूसड़ा साले। अरे प्लीज ओ सॉरी सॉरी माता रानी के दिन चल रहे हैं, जय माता दी बोलो सब लोग, सबकी हेल्थ अच्छी रहे। अरे भूल जाता हूँ मैं तो, आप मैं तो खुद आपसे गले मिलना चाहता था बट अब क्या करूं। अब राहुल यहाँ पे भी कोरे डाल देगा तू। अरे मजाक कर रहा हूँ, मेरे डोले कहाँ डल रहे कहीं पे, मैं भी कर पाता। आप दिन पे दिन स्मार्ट होते चले जा रहे हो, अभी तो चश्मा नहीं था, अभी आपका चश्मा हो गया है। आंख से देख रहे हो कैसे बंद होती जा रही है, इसलिए लगा लिया। मयूर चाचा से लिख रहे हैं प्लीज मुझे ऐड कर लो। ओ गंडवे तू लड़की लड़की देखी नहीं, 81 साल के बुढ़े तुझे ऐड होना है साले, तेरी कब्र में टांगे पड़ी है, कब तेरी विकेट गिर जाए कुछ भरोसा नहीं। 3 में लगाने का घोड़ा है तू, चलते चलते साले डेड हो जाए। कब तू ज्यादा हंस दे जब तेरे को अटैक आ जाए, ज्यादा रोटी खा ले जब तेरे को अटैक आ सकता है, आराम से लेट जा बड़ुए पलंग पे, 10-15 मिनट रुक, आप रोटी तू कंटिन्यू रख, मैं सुनता हूँ। हाँ तो भाई दीपक को सब फॉलो, सॉरी फॉलो नहीं, दीपक के अकाउंट में पैसे डालो, इज रियली गुड गाय। और मुझे अच्छा लगा कि आज उसके फंड में 15-20 हजार कुछ आए हैं, तो उसका जो टारगेट है 1.5 लाख का, वो मैं चाहता हूँ कि आईफोन लाने वाले थे ना, वो कहाँ छूट गया, अभी तक आया नहीं है। अरे उसके दिमाग में कमी है मैडम, पता है क्या है, अब जैसे अब इसने आना है अपना नवंबर दिसंबर में, तो उसको ना अभी चाहिए, पागल हो जाता है। उसने कहा मैं आऊंगा लेता आऊंगा, वो मानता ही नहीं किसी की बात, उसे कहो एक ना ऐसा लग रहा है ना अभी जैसे 1-1 रुपए लोग दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी एनजीओ में दे रहे हैं 1-1 रुपए 2-2 रुपए। ठीक है उसने अपनी नीड बताई, उसको क्या नीड है, ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था उसकी ये लाइफ। मैडम हम तो बोलते थे, हमसे बोला भी नहीं जाता, क्या बोले। उसका उसका 5,000 तक दीपक का गया था, बट वो कंटिन्यू टॉक चली ना फोन को लेकर के, पेटीएम गूगल पे को लेकर के, तो लोगों की लाइव एकदम से कम हो गई। हो सकता है सारे लोग मतलब 1200 समथिंग पीपल देख रहे थे बाद में, फिर उसने भी खत्म। मैडम पता है क्या होता है, ये इंडिया है हमारा, अगर हमारे को बुखार होगा ना, हम किसी को कहेंगे बुखार हो गया तो वो मानेगा नहीं, जब बंदा मर जाता है ना तब बोलते हैं यहाँ पे कि हाँ भाई ठीक है, जब तक चार कंधे पे नहीं आता ना, जब तक इंसान जब तक बीमार है, अरे कुछ नहीं ठीक हो जाएगा, जब मर जाता ना इंसान कहते हैं यार ये तो हकीकत में बीमार था। तो सोच पे निर्भर है, सच सच पे निर्भर है, अपनी सोच पे निर्भर है। अगर आपने बिकना है 2 किलो पे बिक जाओ, ना 2 करोड़ पे भी नहीं बिकोगे, अपनी सोच पे निर्भर है इंसान, जैसे मर्जी कर ले। नहीं हेल्प करने के लिए आज हम बैठे हैं, अब हैरी अब अभी ये हैरी है पनोड़ी है, मेरी बात सुनना, मैं इंस्टाग्राम पे 20-25 दिन से आज आया, ठीक है जी, फेमस बहुत हो गए, चलो मैं मानता हूँ, ठीक है, आज हमारी टांग खींचने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं नीचे, और सब लोग मुझसे रोस्ट करना चाहते हैं, सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए, ये लगा लो इस टाइम ये पनोड़ी बैठा है, पूछो कितने लोग होंगे जो बदतमीजी करते हैं, बात करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अरे तुम मेरी बात सुनो, हमारी बहन की तो अरे यार सॉरी छोड़ो, फिर गाली मुझसे निकलती है ना कुत्तों के लिए, अब वो हमारे साथ है, अब दूसरी लाइवों पे वो मैडम हमें गालियां बकरे, ये अच्छी बात है, अबे तू सामने आ, कोई बात है तो पहले तो अरे तो जब बिना पिए तू बड़ा भाई बोल रहे हो, फिर पीने के बाद तुम्हें अपनी माँ की याद आ गई, फिर गालियां बकरे लग गए, या तो तू पहले रोस्ट करता ना, पहले रोस्ट करता हमसे, करता जो करना है तुझे, वो सरदार पागल नहीं इवन भी कर देता है कि रोस्टिंग लाइव। मैं बहुत बार हाँ, और दूसरी बात ये कि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि भाई लाइव की बातों को लाइव पे रखो, जब लाइव की जो कुछ बातें वो दूसरे दिन जब लाइव शुरू हो वहाँ पे लेके आओ, उसको पर्सनल लाइव लेके मत जाओ। लेकिन यार पता प्रॉब्लम क्या है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में पीपल आर वेरी इमोशनल पीपल, के वो लोग है ना बातें दिल पे ले लेते हैं। अरे जो लाइव पे चल रहा है यार उसको लाइव तक रहने दो, अभी कुछ बहुत लोग हैं जो दिल पे लेते हैं, बाकी सब आज की डेट में सब होशियार है, कोई बेवकूफ नहीं है। अभी एक बंदा आया था, आप मेरी बात सुनो, देखो मैंने लाडली फाउंडेशन में भी काम किया हुआ है, ठीक है, तो क्या लग रहा था ना, दीपक अगर किसी से हेल्प मांगता ना, देखो दीपक लाइव आता सबको हंसाता है, सब फन करते हैं,
एकदम से उसने इन सब चीजों को बहुत बार बोला हुआ है, उसने किसी एक पर्टिकुलर एक पर्सन को नहीं बोला है, ठीक है। तो लोगों में यही गया कि यार अभी तो इसने मतलब लाइक भीख मांगनी स्टार्ट कर दी कि उसकी नीड ये, आपने बोला कि मैं फोन दे रहा हूँ, मुझे भी पता है, इवन मेरे ऑफिस में जितने लोग हैं सबको पता, आप उसको फोन गिफ्ट कर रहे हो, आज की उसकी जो लाइफ थी उसने वो सबसे पैसे मांग रहा है। तो ये वाला सीन हो गया ना, लोगों जो इसकी कन्वर्सेशन थी ना वो सारी चेंज हो गई सडनली, और विनीत को लेकर के इस तरह से करना, यू नो सबके पास दिमाग है, सब सोच सकते हैं ना। अच्छा अच्छा आप वही हो जो अभी आपसे थोड़े दिन पहले बात हुई थी, आपकी मैरिज होने वाली है अभी थोड़े दिन। मयूर चाचा लिख रहा है मैं भी इमोशनल हूँ बहुत। तू तो मर जा भड़वे साले कुत्ते के बच्चे साले, मरने की उम्र में तू साले यहाँ पे आश क्या करेगा बुड्ढे। आप वो तो हो जो आप बता रहे थे कि मेरा रिश्ता विश्ता हो गया, शायद आपकी मैरिज होने वाली है ना मैडम, शायद उस दिन आप ही ऐड हुए थे ना। हाँ अब याद आ गया, अरे फैन फॉलोइंग बहुत है मैडम। आपने बोला था उस दिन कि मैं आपकी मैरिज में आऊंगा, आज आप भूल भी गए। अरे भूल क्या गया, बहुत लोगों से देखो कुछ लोग है जो समझते है कि यू नो लड़की, भाई देखो मैं तो मजाक कर रहा था इनके साथ कि शी इज माई गर्लफ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं, उनकी शादी होने वाली है अभी नवंबर में शायद, तो ऐसा कुछ नहीं है, उनको बात करनी थी इसके लिए मैं यहाँ पे लेके आया। तो ऐसे भी अगर किसी को रिसेंटली बात करनी है तो आप लाइव पे आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये रोस्टिंग लाइव नहीं, यहाँ पे गाली नहीं दी जाएगी किसी को, सिर्फ चाचा को छोड़ के बात करनी हो बात कोई भी कर सकता है, बट अगर किसी के दिमाग में कुछ गलत चल रहा, जो लोग गाली वाली लिख रहे हैं तो वो नहीं। नहीं मैडम यहाँ पे आके ना आप मैसेज मत पढ़े, ये तो होता ही जाता है। नहीं नहीं अब एक बात बताओ मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ, दो अभी एक लाइव चल रही थी एक सदार के, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, वहाँ मोहित बैठा है, एक उनकी वाइफ बैठी है, दो लड़के कोई गाजियाबाद के बैठे हैं, कह रहे हम बदमाश है, राहुल नहीं आ सकता, मैं कह रहा हूँ कि इसका ऑपरेशन पहाड़गंज में हो रहा था, क्या कहते हैं हैरी का, वहाँ पे उसका क्या कहते हैं हैरी का, और तो हमने राहुल को वहां पे देखा है, बड़ा गंदा सा है ये है वो, और हम वहां गए भी नहीं, कहाँ पे ऑपरेशन हुआ क्या हुआ बताओ, देखो भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ मैं एक चीज बताता हूँ, सुनो सुनो मैडम सुनो, कुछ दिनों कुछ पता भी नहीं होता, बेवजह की बातें करते हैं, सबको पता है, देखो प्रोवोक करने से हमें फेम मिलेगा। अभी मनोज पाटिल और साहिल खान का मैटर हुआ, जिनको कुछ मैटर भी नहीं पता था वो बीच में घुसे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस ये कन्वर्सेशन इतनी बड़ी हो रखी है, हमें फेम मिलेगा, हमें फेम मिलेगा। अब उन्होंने ये देखा है कि भाई हम अगर इनको प्रोवोक करेंगे तो लोग हमें देखेंगे बे मतलब में, मैं क्या बताऊं इन्हें। अब मैडम का दूसरा फोन बज रहा है, मैडम ने बड़ी तीसरी नजर से देखा है। नहीं 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 अच्छा अच्छा, वो ये सोच रहे हैं ना, वो जहाँ के बदमाश है जहाँ मर्जी अकेले पे अकेले टक्कर में, ना अपना घर बना लिया था, तो मुझे वही बार बार आ रहा कि चूहा तो नहीं है घर में, किसी को क्या बोलूं। देखो मैडम नीचे 5,000 भाई बैठते हैं, 5,000 में से ना देखो 4,000 को ये बात की समझ है कि ये कन्वर्सेशन इनके आपस में चल रही है, तो रोस्टिंग लाइव पे हमारा जाने का मतलब नहीं है, ये हमारी चारों की आपस की भसड़ चल रही है, मतलब मैं होस्ट हूँ, 3-4 बंदे के ऊपर भसड़ चल रही है, पर 1,000 बंदे इस बात पे कलपते हैं कि भाई हमें क्यों नहीं फेम मिल रहा लाइव पे, हमें भी जाना, हमें भी फेम चाहिए, तो उन्हें फेम मिल रहा है वो कलपते हैं। तू रोस्टिंग पांच साल से कर रहा है भाई, मैं यही बोल रहा हूँ मुझे बोलने दो, मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं रोस्टिंग की दुनिया में आया समझ लो 3 साल से, 2 साल तो मैंने सिर्फ दीपक को फॉलो किया एंड मैंने देखा सुना, यू नो ये गालियां बालियां मैंने सीखी इतनी गंदी गंदी, तो भाई ये जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके घर पे उषा फैन नहीं है लेकिन उनको फेम खाना है, समझ रहे हो ना। हाँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि भाई बस कुछ भी मैटर को लेके बैठ जाओ और फेम खा लो, सही बात है यार। हाँ सही बात, तो भाई अब देखो मैं अभी
इंडिया में पॉपुलर हूँ या राहुल पॉपुलर है, तो भाई मेरे बारे में लोग बोलते हैं ये है वो है, लेकिन मैं उन लोगों के बारे में कुछ देखो बोलता हूँ आपकी नहीं, लाइफ बोलता में है कि कोई नहीं क्यों। आएगा, वही फेमस हो जाएगा 1 वीक के अंदर। हाँ कि मैं किसी के बारे में कुछ बोलता भी नहीं हूँ, क्योंकि देखो आज की तारीख नहीं में मैं भाई किसी को भाई, तो देखो चपकी वैसे मारूंगा। तो इंस्टाग्राम पे 8-10 भाई है जो अपने प्यार है, फतेहपुर से 3-4 भाई हम हो गए, ये पनोड़ी वनोड़ी हम ये हो गए 3-4 भाई, सुमित भाई हो रहे अपने 4-6 भाई, मतलब और कोई है ही नहीं, हम तो हमारे तो ये परिवार की तरह है सारे भाई। देखो हमारा फैम भी ना यहाँ से लेके इंडिया से लेके यूएस तक है, ठीक है। हाँ अब लोगों को इस चीज का कलब, देखो 4 विंडो, अब 4 में 1000 को तो बिठा नहीं सकता ना, अगर 5000 देख रहे कि 5 के 5000 अब सारे भाई आएंगे। अपने अपने चलाते रहते हैं, सबकी लाइफों में हम जाते भी सबका रहते देखो हैं सबका आपस अलग में, अलग ओपिनियन है, लेकिन है देखो हमसे हर किसी थोड़ी को ये डॉक्टर गलती नहीं हो गई कि बनना। हर किसी को मुंह लगा रहे हैं यार अब ज्यादा आप बस। डॉक्टर हो तो हर किसी को डॉक्टर नहीं बनना, किसी को स्पोर्ट्समैन बनना है, किसी नहीं, को किसी के अंदर जर्नलिस्ट बनना है, किसी टैलेंट को है तो कुछ वो बनना है, ऑटोमेटिक सबकी अलग ऊपर आ अलग राय जाएगा। है, अलग अलग सोच है, जो जैसे मर्जी सोचे। गालियां मैडम किसको देने नहीं आती, आपको नहीं आती या किसी को नहीं आती, अब ऐसा क्या हुआ है कि मेरे को ही फेमस कर दिया इतना, गालियां तो सभी देते हैं ना, गालियां किसको नहीं आती देने। आपको भी तो इन लोगों ने रोस्ट किया था ना जब फर्स्ट टाइम आए थे। देखो फर्स्ट टाइम नहीं कर पाए, से नहीं कर पाए तो फर्स्ट वो टाइम फिल्म से तो चलते मेरी हैं। पनोड़ी से बहुत रोस्टिंग हुई थी, पनोड़ी ने बहुत बगी, पनोड़ी ने एक दो बार तो खूब उतारी मेरी, एक दो बार मैंने पनोड़ी की खूब उतारी, वो चलती गई। मैं वही अब कहती ए हूँ ना, एक अब बंदे ए की अब पनोड़ी बैठा पर्सनालिटी है, होती अब है। लोग मुझे यूं बोले कि पनोड़ी को रोस्ट कर, ये मुझे गाली बकता रहेगा, मैं इसे गाली बकता रहूंगा ना, ये भी हंसता रहेगा मैं भी हंसता रहूंगा, मजा ही नहीं आएगा। रोस्ट तो किसे कहते हैं, एक बार जिसे कर दिया तू हट, अब अगली बार देखते हैं किसी को, बहुत मजा हाँ आता है। देखो ये मेरा नहीं कि क्या अब सीन है ना, मुझे मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को देख करके, तो मेरा मन करता है कि मैं बात कर लूँ, क्योंकि कभी मेरी नाइट शिफ्ट होती है, नहीं कभी क्या मतलब 7 डेज में 2-3 डेज हो जाती है, ठीक है, और कभी मॉर्निंग रहती है, तो ऐसा होता है कि अब अकेली हूँ, बात करने का मन कर रहा है, तो अभी आपकी अरे ये अकेली बिल्कुल हो सही ऐसा मत है। बोलो, ऐसा मत हाँ, आई एम बोलो। नॉट आस्किंग दिस काइंड ऑफ कि ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं, मतलब मैं आप अरे लोगों को जानती हूँ, हैरी को जानती हूँ, विनीत को, आप राहुल को, आदित्य हाँ भाई को, है वो भी सारे ठीक भाई है है, अपने हाथ में। ये मतलब जो जानने वाले लोग हैं जिनको जानती हूँ चाचा एक उनके मिनट लिए रुकना, विनीत बोल भाई को ऐड सकती हूँ, करूं। नहीं तो हाँ किसी हाँ को हाँ मुझे बात करने का कोई वही नहीं है, मैं उतनी देर अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ, ठीक है। सही बात है ये, सारे देखो सारी फैमिली है। देखो अरे भाई राम 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 विनीत की तो राम। बहुत अरे उम्र क्या कह लंबी है, रहे हो कुछ मैडम भी आप, बोला वैसे ही आ गए। लोगों ने हाय, मैसेज कर करके परेशान कर दिया। क्या हुआ? मैडम ने क्या बोल दी पता कुछ भी नहीं बोला ही नहीं, विनीत पैसे दिलवा रहा दीपक को ये वो। भाई, उन्होंने बोला कि वो विनीत की लाइफ पे बैठे हुए थे, आज उनकी कन्वर्सेशन चल रही थी पैसे के लिए, तो जब पैसे की बात चल रही थी तो लोग 1000 थे, जहां लड़ाई झगड़ा होता है वहां लोग 10-10 हजार हो जाते हैं। नहीं, ये बोला था 40,000 उसने। रुपये मिल गए उसको। हाँ हाँ, 50 हजार रुपये मिल गए ना, ये बात है। यार एक बात मैं बताओ भाई, आपके किसी बारे का में कोई कुछ भला हो, गलत किसी नहीं बोल रही हूँ, देखिए ऐसा नहीं, मैं नहीं, गलत नहीं बोल रहा उन्होंने आपको, गलत बात नहीं करी विनीत भाई, गलत हम बैठे बोलो। हैं, कोई अरे गलत नहीं बात नहीं कैसे कर देगा अरे गलत की नहीं कह रहा मैं यार भाई, गलत तुम क्यों सुन लोगे हमारे बारे में, भाई, वही पर तो मैं एक बात है, बात हम तो बता रहा सुने हूँ, नहीं। एक बात बता रहा हूँ मैं, किसी का कोई भला हो रहा है हमारी वजह से, बिल्कुल क्या बिल्कुल, बुराई है। अभी आपने अभी एक बात बोली कि जब मेरा मन करता है मैं जॉब से अकेली होती हूँ तो मैं इंस्टाग्राम चला लेती हूँ, बोली थी ना बात, तो वो आदमी तो अकेला ही रहता है, अरे उसका भला हो रहा है, हम खुद चाहते हैं हमारी लाइफ उसके पास में, तो कुछ यू आर भी नहीं नॉट है। 4-5 हजार कंपेयर बंदे विद थे, हमने कहा दीपक, जाके उसको भाई हेल्प करो। दीपक की व्हाट, पर्सनालिटी और मेरी पर्सनालिटी में जमीन आसमान का फर्क है, तो नहीं हम कंपेयर नहीं पर्सनैलिटी, कर सकते हैं। लिसन, एक आपने रुको एक बोला ना मिनट, कि नाम आप देख लो होते आपके हो, पहले, बोर पारुल होते हो इंस्टा से, जी। तो हाँ आप बात कर लेते हो। पारुल जी सुनो मेरी बात, आपकी पर्सनैलिटी में और उसकी पर्सनैलिटी में पता है क्या फर्क है, अगर आप इंस्टाग्राम बंद हो गया ना तो आप अपने घर में किसी के साथ बैठ जाओगे, आप अपने दोस्तों के पास चले जाओगे, ठीक है। उसकी पर्सनैलिटी में पता है क्या फर्क है, इंस्टाग्राम बंद हो गया ना तो कुत्तों की तरह एक कमरे में पड़ा होगा, रोता रहेगा वो, क्योंकि उसने ये इज्जत कमाई है। अब उसको थोड़ी बहुत मिल रही है कहीं से तो उसे कुछ लोग तो चाहते देना और कुछ बीच में टांगड़ जाके दोस्तों सारे को मरने भी क्या कर है। एक बात बताओ, कोई किसी किसी भाई ने 15,000 भी करे, किसी ने 11,000 भी करे, कोई एक एक रुपया भी भेज रहा, पर जिन लोगों ने किए ना वो आपके क्लोज फ्रेंड थे, जिन लोगों ने दिए। देखो करें करवाएं जो भी है छोड़ो वो बात, मैं एक चीज बताता हूँ, उसका जो देखो उसने जो भी उसका सोर्स ऑफ उसको इनकम है बहुत वो लोगों ने उसका ही वादा है, करा है, सुनो मेरी बात,
वो इंस्टा से ही कमाता है जो कमाता है। वो है, वो बात है। नहीं बुरा नहीं लग रहा था, जैसे लोग उसको एक एक रुपए दे रहे थे ना, थोड़ा वो नहीं है यार देना, हर किसी के बस की नहीं है देना, कोई किसी के लिए 1-1.5 लाख रुपए खर्च नहीं करता, मैं भी नहीं करूंगा कोई और क्या। लेकिन अगर मेरी जेब से 2,000 रुपए जा रहे हैं ना, तो मैं 1 मिनट लगेगा कि चलो किसी को अगर फोन मिल रहा 2,000 रुपए में आईफोन तो दे दो भाई। खाली देखो, खाली दीपक ही नहीं, पुनीत, वो पुनीत सुपरस्टार है, उसकी भी होती है, उसकी भी हेल्प होती है, उसकी हेल्प भी हुई मेरी लाइफ पे, दीपक की। मैं तो कह रहा हूँ भाई जितने हैं सबकी हेल्प हो, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इंस्टाग्राम से ही चलती है, हमें जरूरत नहीं है इंस्टाग्राम से कि हमें पैसे मिले, हम अपने घर से ठीक है। मेरे अभी इंजरी हो रखी है, मेरी अभी सर्जरी हुई है, तो मैं फ्री हूँ अभी पिछले 5-6 महीने से। मेरी जब मेरा ये कोई लाइन थोड़ी है, तो बस जस्ट फॉर फन है, जब हो जाएगा तो अपना। सुनो मेरी बात, हम सच बता रहे, 5-6-7 महीने हो गए हम खुद फ्री हैं, पूरी रात जागते, दिन में सोते पूरे दिन। तो वैसे क्या करते थे? क्या करे, काम ही नहीं है कुछ। अब पहले, उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले तो मेरे तो प्रॉपर्टी का, कॉलोनी का काम है, कॉलोनी काट के बेचता हूँ मैं तो, छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं ना। तो अभी भी तो सब ओपन हो गया ना, तो अभी भी कर सकते हो? मैडम ओपन तो हो गया, लेकिन जो गरीब आदमी 100-100 गज 50-50 गज के प्लॉट लेते हैं, वो तो नहीं है भाई। बड़ी जमीन जो खरीद रखी है, उसके पैसे तो नहीं गए ना अभी। अब उसके पैसे तो तभी जाएंगे जब कहीं से पैसे आएंगे। हमने भी किसी से टाइम नहीं रखा है, लोन नहीं मिलता है यहाँ। अच्छा आप कहाँ से हो वैसे विनीत? मैं दिल्ली छतरपुर से। दिल्ली छतरपुर मंदिर जो है? हाँ भाई गुरुजी के आश्रम के पास। सही सही कहा। हाँ गुरुजी का आश्रम के पास। तो आप पॉलिटिक्स लाइन में हो? नहीं नहीं पॉलिटिक्स लाइन में हूँ भी नहीं भी हूँ, और था, अब मन नहीं है। क्यों मन क्यों नहीं है? पहले थे, था, अब मन क्यों नहीं है आपका? अब क्यों होगा तो कोई आंसर ही नहीं होता। अरे आदित्य बहुत शांत हो गए, पता नहीं क्या, इतनी दुकान कैसे चलने लगी। पर अब एक काम करो, आप एक बात बताओ, अगर अगर मैं दीपक की हेल्प करवा रहा हूँ, गलत बात हो? कस्टमर आ रहे, कस्टमर बताओ ना। अरे मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ तो उसमें गलत बात है? नहीं नहीं क्यों गलत बात है, बहुत अच्छी बात है। बस मैं एक ये बात है कि आप मेरी एक बार दीपक से बात करा दो। अब आप जब दीपक आएगा ना विनीत भाई, आपकी लाइफ पे, मेरी लाइफ पे, मैडम की बात नहीं, नहीं दीपक से बात हो जाएगी। दीपक 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 को एक चीज बोल देते कि मैडम ने 5,000 रुपए पेटीएम करे, तो उनसे बात कर लो, वो तुम्हारे फोन में कंट्रीब्यूट कर रही है ना। दीपक से बात करने के लिए मुझे 5,000 रुपए देने पड़ेंगे? नहीं नहीं दीपक से बात करने के लिए नहीं देने, दीपक को फोन लेने के लिए देने। अच्छा ठीक है, पहले मैं खरीद दूं 13-11 को छोड़ करके 12 भी। अरे हां तुम्हारा 5,000 रुपए में थोड़ी आएगा? पहले मैं खरीदूंगी, इसके बाद उसको दे दूंगी 5,000 रुपए। नहीं नहीं तुम्हारा 5,000 रुपए में आ जाएगा? नहीं तो मेरी सेविंग्स मैं थोड़ी नहीं उससे तोड़ूंगी, मुझे इतना बात करना फिर इम्पोर्टेंट है। यार बताओ अपने मतलब अपने दूसरों की खुशी के लिए थोड़े दिन अपनी खुशी नहीं रोक सकते 5,000 रुपए के? चलो 2 दे देना कोई बात नहीं। चलो छोड़ो मैडम, मैं 1 मिनट पहले राहुल चाचा को ले लो, 1 मिनट बड़ी देर से ऐड ऐड लिख रहे हैं। मैडम तो पैसे के नाम पे बताओ दे ही नहीं रही, बिल्कुल निकाल नहीं रही। नहीं नहीं सुनो सुनो, 1,000-2,000 रुपए की बात है तो पक्का रुक जा, 2,000 दे रही रख दे। हेलो भैया, ये कैसे स्पिन हो रही है ऊपर नीचे? अब हो गया 2,000 रुपए जा रहे बेचारे के अकाउंट में, क्या हो गया? तुमने उसकी कम्युनिटी छुड़वानी पड़ती है उसको। अरे मैं ठीक है, दीपक को पैसे आ गए ठीक है। एचएमआई वो चाचा लिख रहा है मुझे 10,000-10 लाख रुपए की हेल्प है मेरे लिए कर दो। तेरी तो तेरी तो बहन के लोड़े मयूर चाचा, किडनियां बिकवाऊंगा दोनों बंजे। मयूर चाचा तेरी मार्केट की तुझे तो टट्टो की सलाह में मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। वीवो का फोन दे दो तेरी बहन की,
तू दीपक कलाल का झटवा टट्टा है तो तेरे को मिलेगा एक। तो रमन रमन भाई नहीं, रमन भाई ने करे 15,000 रुपए। हाँ 15,000 हमारे लाइव पे आए थे भाई, बता के गए हैं वो कि मैंने 15,000 बता के गए हैं स्पेशल लाइव पे आके बता के गए हैं आके लाइव पे कि जो भाई बोलते हैं रमन भाई ने माता कर दी। नीचे ना कोई गालियां वालिया लिख रहा था कि तूने कहा था 15,000 देगा ये है वो है, तो पैसे दे दिए, तो उन्होंने भी बताया, इसलिए उन्हें लाइव पे लिया, उन्होंने बताया मैंने दे दिए। फिर दीपक ने एक मिनट में स्टोरी डल गई है, स्टोरी भी यहाँ शेयर करवा के लोगों को दिखवा दी गई है कि 15,000 दे दिए। हाँ नहीं ठीक है भाई, वो तो बात तो हो ही जाएगी कोई ना कोई। 1100-1200 बैठे हुए, दिमाग तो खराब आती है ना, दिमाग कहाँ से झेल लेगा कोई। आप ज्यादा नहीं तो 100 एक बार होता, एक बार दीपक के अकाउंट में डाल दो। हमें हमें पता है, हमें 1,00,000 रुपए हम नहीं देंगे, ठीक है। हमें ये भी पता है कि 1,00,000 रुपए से कोई और भी नहीं देगा। हाँ सही बात है, लेकिन इसको चलो दिलवा दी अच्छी बात है। लेकिन अगर अगर उसको खुद पता है, उसमें इतना दिमाग खुद में होना चाहिए था कि जब मुझे 5-5-10,000 आदमी देखते हैं, अगर मैं 200-200 रुपए लूंगा तो मेरे तो 1,50,000 वैसे इकट्ठे हो जाएंगे। अरे भैया पैसों के लिए सही बात है। अरे मैं कह रहा हूँ बनौली, ये मैडम वही थी ना जिससे उस दिन तेरी बात कराई थी मैंने, वही थी ना। चलो कोई, अरे बनौली आज हीरो शीरो लग रहा है तू, आज एकदम फनी हुआ ऐसा लग रहा है एकदम। मयूर राहुल चाचा, मयूर चाचा की हेल्प कर दो यार। हाँ गार्ड दिलवा उसकी, मुझे बहन के चुरा ले। ठीक ले भाई, मयूर की तो गांड मारने में मजा आता है, पूरी रात इसकी माँ चोटते हैं बड़वे की। पनोड़ी पनोड़ी शाम को रात पनोड़ी पनोड़ी, बहुत सारी लड़की ऐसे मेरे पीछे पार्क पहुंच चुकी है इंडिया में। चलो यार विनीत भाई को क्यों हटा दिया, तेरी इतनी भेद की चूत एक्टिंग कर रही है मेरी। अरे यार क्यों हटा दिया, विनीत भाई को लो मजा आएगा। तुम्हें हटा दूं मुझे, मैं नीचे जाता हूँ, विनीत को ले ले, इसको बात करनी है विनीत भाई से। हाँ एक मिनट बात करूँ। तुम्हें क्या चाहिए विनीत भाई से, ये बताओ क्या चाहिए तुम्हें। विनीत भाई का इसको पसंद आ गया, विनीत भाई का इसको पसंद आ गया। सच सच विनीत भाई मदद कर रहे हैं। हाँ। विनीत भाई मुझे पेमेंट दिलवा देंगे, तुम्हें कितने बोल रहे तुम ये बताओ, पहले तुम झूठ बोल रहे थे मेरी तबीयत खराब है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, ये हूँ जो लग रहा भी ना बात बात कर रहे यूट्यूब पे डल जाएगा अभी हो जाएगा, मैं यूज जाता ये कर रहा है बात अलग है। अभी एक सरदार की लाइफ पे एक बंदा आया, मैं तेरे को बनौली एक बात बताता हूँ, अभी वो उल्टा सीधा सुन तो ले, गाजियाबाद में मेरे गाजियाबाद में मेरे नाम लेना भोसड़ी के, ऐसी गांड फटवाऊंगा वैभव किशन एसएसपी लग रहे हैं चूतल ना, तेरी ऐसी टेढ़ी करा दूंगा कि तू याद करेगा कि किससे पाला पड़ा। तो समझ रहे हो भाई, सच में एक बात मोटे भी है, उसका नाम ही मत लो, उसका नाम ही मत लो, गाली किसी का नाम मत लो, ले 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 पे। अपन जो रिश्तेदार बैठे हैं रिश्तेदारी का नाम लो जितने भी हैं। तेरी भी बहन चोदू अगर तू कल दिख गया उनकी लाइफ पे बहन के वो चढ़े नहीं, वो तो मेरे को एक हैरी की बात समझ आ गई, मेरे को देख इंस्टाग्राम की इतनी अकल नहीं है, कोई मुझे जैसा कहता मैं वैसे कर देता हूँ, लेकिन हैरी ने मुझे एक दो बातें बताई कि उनको बहन के लोगों की लाइफ पे मत जाना, माँ की कसम मैं जाता हूँ वहाँ 1400-1600-2000 लोग हो जाते हैं, इनकी बहन को छोड़ दो अब 30 बंदे देख रहे हैं कुत्ते के बच्चों को। बहन के लोड़े बकवास छोड़ रहे हैं साले, हम भी फिर किसी के पास जाए क्यों, बकता रहे 30 बंदों में गालियां तू बकेगा, हम 20,000 में तेरी बहन को रंडी करके छोड़ेंगे। उसका दूसरों की बातें करके टेंशन ले रहे हो, टेंशन नहीं, जब तक गाली नहीं बकता ना मुझे नींद नहीं आती। फिर देखो हमारा नाम लेने से ना उसे फेम मिलता तो लेने दो, कोई दिक्कत ना है, पर हमारा चाहने क्या दिक्कत है, किसी का भला हो रहा है तो उन दो सही, वो तो आपको और फेमस कर रहे हैं। 1000 लोग बैठे हुए हैं, मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट ज्यादा नहीं एक तो
50-50 रुपये दीपक के अकाउंट में डालो यार, तो भी बेचो 5,000 रुपये हो जाएंगे, बात तो समझो। पचास पचास डालो क्योंकि यार 50 का तो तुम सिगरेट या चाय पी जाते होगे पूरे दिन में, तो प्लीज। मैं दीपक की आपको एक चीज बताता हूँ, दीपक है ना जो उसका नेचर है ना जो भाई बच्चों वाला है, मतलब आप समझोगे नहीं, वो पैसा कमाने पे आता तो इतना कमा लेता बहुत ज्यादा कमा लेता, उसे यही नहीं पता कि मैं क्या करूं क्या स्टेप लूं, तो उसका बच्चों वाला दिमाग है भाई। एक मिनट में हंसते हैं, और ये विनीत भाई इसको सपोर्ट करवा रहे हैं तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। अब बाकी हम यही कहेंगे भाई कि हम हमारा ये काम नहीं है, ना हैरी हो गया, पनोड़ी हो गया, मैं हो गया, हम किसी से 2 रुपए भी नहीं लेते भाई, तो किसी की बात है। अरे भाई किसी को मदद चाहिए तो हम कर देंगे उसकी, और तेरी बहन की चूत, तेरी बहन को चोदू, तेरे टाटा बिल्ला की भोसड़ी के, तेरे झोपड़ी का कमरा दे देंगे अपना, बहुत सारे कमरे पता है, हाँ ऊपर टेंट, तेरी माँ को छोड़ो ऊपर, तेरे कांडू छत नहीं है, टीने लगा रखी है, तो तू हेल्प करेगा तो वही, तो बहुत सारे कमरे इसमें तो खाली पड़े हैं, देखो अभी भी बाहर दिखा, जाके दिखा दू, कोई खाली पड़े हैं, एक दीपक को दिखा, तेरी बहन की चूत दिया, दिखा बहन के चुताने, दिखा क्या दिखाऊं तुम्हें, दिखाया तो सन्नाटा बाहर क्या, अबे ऊपर छत दिखा, भूत बंगला भूत दिख जाएंगे, छत दिखाओ, 10,000 रुपए गूगल पे करो और छत देखो, आंगन देखो 15,000 में, मेरा टॉयलेट देखो 25,000 के अंदर, तेरी बहन को चोदू कोई तुझे 50 रुपए भी डाल देगा, तू कांडू पूरा घर घुमा देगा, डल्ले अकेला तक औकात में आ जा यार। आदित्य भाई एक लड़के ने मेरे को मैसेज करा, रियल बता रहा हूँ, यूं कह रहा कि आप परोली भाई जो गाली बकते हैं ना आप उसमें मत जाओ, ये आदमी बहुत सीधे हैं। मैंने कहा यार तू अमेरिका पहुंच गया क्या, तू कब अमेरिका पहुंच गया था कि नहीं, नहीं मैं उन्हें जानता हूँ बहुत पहले से, यार मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी दो बंदे आए जैसे, आदित्य भाई सही कह रहा था क्या, परोली ऑपरेशन इसका जहाँ पे हुआ था हैरी का अलग जगह थी, और कह रहे नहीं हमने तुम्हें वहां देखा था, ये वो है ये, मैं तो जानते भी नहीं क्यों बातें बना रहे, मेरे को समझ नहीं आता साले कैसे कैसे लोग हैं भाई, कुछ भी बातें बनाते हैं यार ये लोग, लोगों का दिमाग है बातें बनाना, उनके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, बस मैं तो जिसको टारगेट बना उसके बारे में बातें चोदते रहो, लेकिन तुम सीधे हो गए, मैं बहुत सीधा हूँ यार रियल लाइफ में चाचा, मैं बहुत ही इनोसेंट बंदा हूँ, जैसे भोसड़ी के तेरा नेट घूम गया अभी, भाग तेरी बहन की चूत, तेरी लाश भगा इसको बहन की चुदाने को, गया है, गया इसकी बहन चुद गई, खत्म इसके पैसे, लोग लिख रहे सब तक, मेरे चेहरे पे ये खुशी, ये मेरे चेहरे पे खुशी आज इसलिए है कि एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड आज सिटी गई, तो सिटी में इंडियन रेस्टोरेंट है, तो आज शाम को, आज रात को पालक पनीर, काली दाल, फिर वो चिली नान, छाछ, अपना लस्सी, वो सब ठोक के वो पैक करके लाएगी, और आज रात को मैं ठोक के खाऊंगा, इसलिए मैं बहुत खुश हुआ। तो क्यों आसपास तो मिलता नहीं इंडियन खाना भाई? नहीं यार यहाँ से ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का, 2.5 घंटा जाना है, 2.5 घंटा आना, 5 घंटे का रास्ता है यार, तो उसको कुछ काम था तो वो चली गई आज, तो फिर वो इंडियन रेस्टोरेंट में जाकर खाना लेके आएगी, हम भी एक लाइव चलाएंगे, और तो बहुत सारे जुड़ गए, चाचा के लिए वाईफाई लगवाएंगे बेंच, मुझे 6-6 लोग बैठे हुए दिख रहे हैं, मेरे को दिखने नहीं रहा कोई, कौन दिख रहा तुम्हें? मुझे सब दिख रहे हैं, हाँ यार डिस्कनेक्ट हो रही है अपने आप, भैया सर्वर उड़ गया, तो 2.5 घंटा आना, 2.5 घंटा जाने का खाना आने में लगता है, हाँ तो अब वहाँ पे खाना खाने के लिए जाएंगे तो समझ ले पूरा दिन चला जाएगा, तो फिर तू यहाँ पे क्या खाता है फिर पनोड़ी, अपना घर पे भी तो बनाने के लिए सिस्टम नहीं रखता,
मैं रात को यार सेफ भाई अमेरिकन फूडी खाता हूँ, तो आज वो जा रही थी तो उसने बोला कि भाई मैं इंडियन रेस्टोरेंट से खाना हम दोनों के लिए पिकअप करके लेके आऊंगी, तो मैंने बोला ठीक है। इसीलिए आज मेरे चेहरे पे कुछ अलग ही खुशी है, तो इसीलिए मैंने आज दोपहर को भी खाना नहीं खाया। मैंने इसलिए दोपहर को खाना नहीं खाया कि रात को आज मैं ठूस ठूस के खाऊंगा। अच्छा, दारू भी पिएगा खाएगा भी? हाँ, दारू पीऊंगा फिर उसकी लूंगा और उसके बाद खाना खाऊंगा। तू भी पागल है, तेरी कसम यार। फिर साथ में मूवी देखते देखते खाना खाएंगे। ओह माय गॉड। हाँ, मुझे सेक्स का इतना एक्साइटमेंट नहीं है, मुझे खाने का बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि यार मिलता नहीं है ना यहाँ पे। तो फिर नॉनवेज ही खाना पड़ता, बनोड़ी नॉनवेज ही खाना होता होगा वहाँ पे? यहाँ पे ये नहीं, नॉनवेज सब चिकन एंड सब बहुत सारी चीजें यहाँ पे यार। अमेरिकन फूड इज रियली गुड फूड, लेकिन फिर यार बंदा बोर हो जाता है ना हर रोज सेम सेम डिश सेम डिश। हाँ सही बात है, कितना बंदा खाएगा, क्या खाएगा, सही बात है, सेम चीजों की। लो जी, हैरी भी बोल लो क्या? अरे यही हुई है, नेट में दिक्कत आ रही है, मैं ये देख रहा हूँ क्या दिक्कत क्या आ रही है। हाँ, पनौड़ी की भी आ गई, दिख गया तो इस बहन के चुदाने को, लाश को तू एक कमरे में बिठाए रखता है, इसका नेट आता नहीं बढ़वे का। यार क्या हो रहा है, नेट नहीं आ रहा क्या? मेरा आवाज आ रही है? तेरे को पेटीएम कर दूं, वाईफाई लगवा ले। पेटीएम नहीं रखता, पेटीएम नहीं रखता, पीओबी की ऐप आती है ना, वो है ऐप नहीं होती तेरी बहन की, चूत ऐप होता है गंडवे। क्या दिक्कत आ रही है लाइफ में? दिक्कत आ रही है लाइफ में कुछ? चाचा के यहाँ से आवाज आ रही है पटर 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 के। ये बजा रहा हूँ बैठ गया डड़ डन डन तरह जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना। हे दिक्कत है तुम मुझे मलिक साहब, चलते हैं सब दिक्कत है, जब आप किसको ऐड करोगे तो मैं हट जाऊंगा। कोई समझा नहीं कोई जाना, कल चाचा की लाइव को बहुत प्यार दिया। बंद कर रे, चलाओ मौत से।